नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आगाज सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर आधारित इस वीडियो में हम भुगतान के संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के एमसीक्यू को देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, निर्धनता एवं बेरोजगारी टॉपिक के एमसीक्यू को देखेंगे और नियोजन टॉपिक के एमसीक्यू को देखते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले एमसीक्यू से। और सबसे पहला एमसीक्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आधारित है, भुगतान के संतुलन पर आधारित है। प्रश्न कहता है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है, चार ऑप्शन दिए हैं, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर जाने से पहले भुगतान के संतुलन के विभिन्न मदों पर हम नजर डाल लेते हैं, जिसे हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले तो मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भुगतान के संतुलन का तात्पर्य क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी एक देश का एक निश्चित समय अवधि पर दूसरे देशों के साथ आर्थिक गतिविधि के लेखा जोखा को ही भुगतान का संतुलन कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इनकम का आदान प्रदान हुआ हो, चाहे ऋण का आदान प्रदान हुआ हो, मतलब कि एक देश से एक निश्चित समय अवधि पर, सामान्य तौर पर यह वित्तीय वर्ष होता है, एक निश्चित समय अवधि पर जितना भी लेन देन हुआ है, आर्थिक गतिविधि हुई है, उन सारे आर्थिक गतिविधियों के अभिलेखों को एक व्यवस्थित तरीके से लिख दिया जाता है और इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हम देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान का संतुलन दो खातों में विभाजित किया जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, और एक होता है पूंजी खाता या फिर कैपिटल अकाउंट। और इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में अलग अलग यहां पर उपभाग देखने को मिलते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट में दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार होता है। दृश्य व्यापार में क्या होता है, तो वस्तुओं का व्यापार यहां पर दर्शाया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं वस्तुओं के आयात और निर्यात को यहां पर दर्शाया जाता है। दृश्य व्यापार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वस्तुओं को आप देख सकते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान को आप देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, इसलिए यहां पर दृश्य व्यापार पर उसे रखा जाता है। एक होता है अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर कोई भी वस्तु का आदान प्रदान होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? सिर्फ आर्थिक गतिविधि होगी तो उसे यहां पर रख दिया गया। अब इसके अंतर्गत सेवाएं आता है, इनकम, आय और अंतरण ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा कि दृश्य व्यापार में भारत घाटे की स्थिति में रहता है। अब बात ये आती है कि जब इस तरीके की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं भुगतान के संतुलन पर, जैसे कि घाटे की स्थिति या अधिशेष की स्थिति, इसका क्या तात्पर्य है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भारत में पैसे आए, देखिए रुपए, पैसे, मुद्राएं सब एक ही है, लेकिन मेरी जबान में पैसा चिपका हुआ तो बार बार मैं पैसे ही कहूंगा, ठीक है? अगर आए, पैसे आए, तो भारत के लिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस मूल्य के सामने, उस मान के सामने, उस वैल्यू के सामने पॉजिटिव लिखा जाता है। और जब भारत से पैसे बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो क्योंकि ये भारत से बाहर जा रहा है इसलिए इसे नेगेटिव लिखकर शो किया जाता है। अब मान लेते हैं कि भारत में जो राशि आई है वह 200 रुपए है और जो राशि भारत से गई है वह 500 रुपए है। तो इस प्रकार से जो नेट वैल्यू आता है, जो रिजल्टेंट आता है, जो निवल मान आता है, वो कितना आएगा, तो -300 आएगा। तो अगर कोई एक ऐसा व्यापार होता है जहां पर भारत को जो नेट वैल्यू इस प्रकार का दिखता है, नेगेटिव पर दिखता है, तो उसे हम घाटे की स्थिति कहते हैं। अगर ये नेट वैल्यू पॉजिटिव पर दिखता तो हम उसे अधिशेष की स्थिति कहते हैं। ये आप बस ध्यान लगाकर रखें कि नेगेटिव वैल्यू अगर आता है रिजल्टेंट तो वह हो जाएगा घाटे की स्थिति, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है निवल मान रिजल्टेंट वैल्यू तो वह अधिशेष की स्थिति हो जाएगी। अब यहां पर लिखा हुआ है कि दृश्य व्यापार में भारत घाटे की स्थिति में रहता है, इसका तात्पर्य क्या है कि यहां पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। जाहिर सी बात है कि हमें यह पता है कि भारत आयात अधिक करता है निर्यात की तुलना पर, एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट की तुलना पर। अब यहां पर क्या होगा, जो भी मान आपको आयात में दिखेगा वो नेगेटिव दिखेगा,
क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई वस्तु अपने देश में लिया है, आयात किया है, तो उसके बदले हमने कुछ पे किया होगा, कुछ भुगतान किया होगा। अर्थात हमारे देश में वस्तु आयात हो लेकिन उसके बदले हमारे देश से कुछ पैसे बाहर की ओर चले गए, तो आयात में जो भी मान आएगा वो नेगेटिव आएगा और निर्यात में जो भी मान आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश से कुछ वस्तु अगर गया है तो उसके बदले में कुछ पैसे, कुछ राशि, कुछ मुद्रा हमारे देश में आई होगी और इसलिए यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। अब चूंकि यहां पर ये साइंग आपको बता रहा है कि नेगेटिव वैल्यू का जो मान होगा वह अधिक होगा पॉजिटिव वैल्यू की तुलना में और इस कारण से जो रिजल्टेंट आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा, माइनस में आएगा और इसलिए हमने यहां पर कहा कि भारत घाटे की स्थिति में रहता है। नेगेटिव वैल्यू यहां पर शो होता है रिजल्टेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, आयात और निर्यात का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आपको समझ में आएगा और इस पर आधारित प्रश्न भी पूछा गया था सीजीपीएससी के एग्जाम में। अदृश्य व्यापार में आते हैं और अदृश्य व्यापार में जब सेवाएं देखते हैं तो सेवाएं में कहा गया है कि भारत अधिशेष की स्थिति में रहता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जितनी राशि हमने सेवाओं के आयात में दिया है वह राशि कम होगी उसकी तुलना पर जितनी राशि हमने सेवाओं के बदले ग्रहण किया है और इस कारण से यहां पर अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा सिर्फ यहां पर वस्तुओं के आयात निर्यात की बात होती है और जब आप सेवाओं के आयात निर्यात की बात करेंगे तो वह अदृश्य वाले कॉम्पोनेंट या अदृश्य वाले घटक में दर्शाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आय और अंतर, तो आय में हमें नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में निवेश अधिक होता है, जाहिर सी बात है कि भारत में निवेश अधिक होता है विदेशियों के द्वारा किसकी तुलना में, तो भारतीयों के द्वारा जो निवेश विदेशों में किया जाता है। अब इस वजह से होगा क्या कि जो निवेश ज्यादा हुआ है विदेशियों के द्वारा भारत में, तो जाहिर सी बात है कि तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ भी भारत से लेकर जाएंगे। जो आय होगी वह ज्यादा होगी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये ज्यादा जाएगा विदेशों में। अगर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, निवेश किए गए हैं तुलनात्मक रूप से, तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ भी भारत से बाहर की ओर जाएगा और इसलिए यह भी घाटे की स्थिति में होता है, नेगेटिव वैल्यू में होता है। क्लियर है? अंतरण की बात करते हैं तो अंतरण में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? रेमिटांसेस या प्रेषण देखने को मिलता है। इसका क्या तात्पर्य है कि हमारे देश के नागरिक अगर विदेशों में जाकर कार्यरत है, रोजगार में है और अपनी आय का कुछ हिस्सा जब वो हमारे देश में भेजते हैं तो हमारे देश के दृष्टिकोण में उसे रेमिटांस या प्रेषण कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि विदेशियों की तुलना में भारतीय ज्यादा संख्या में विदेशों में जाकर कार्यरत हैं, तो रेमिटांसेस भी हमें पॉजिटिव पर देखने को मिलता है, नेट वैल्यू, और इसलिए यहां पर अंतरण जो हमें देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, अधिशेष में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इन सारे चीजों के साथ एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि जब दृश्य व्यापार का नेगेटिव और अदृश्य व्यापार को जब ये तीनों घटकों के पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया जाता है तो यहां पर भी कुछ वैल्यू आती है और पॉजिटिव पर ही देखने को आती है। मान लेते हैं कि अगर यहां नेगेटिव 100 आया है दृश्य में आयात निर्यात की वजह से और यहां पर पॉजिटिव वैल्यू 70 आई है क्योंकि सेवाएं भी अधिशेष में है और ट्रांसफर भी अधिशेष में है, तो वह आय के ऋणात्मक मान को कंपनसेट कर जाएंगे और इस कारण से इन तीनों घटकों का जो रिजल्टेंट वैल्यू अदृश्य में देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव पर देखने को मिलता है सामान्य तौर से भारत के परिपेक्ष में। अब दृश्य में आपको नेगेटिव दिखता है और अदृश्य में पॉजिटिव दिखता है और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये चालू खाते का जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो -30 चला आता है और इस स्थिति को ही कहा जाता है चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसी शब्द पर एमसीक्यू पूछा गया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में कि चालू खाता घाटा का मतलब क्या है या इसे आप समझते क्या हैं। एकदम वर्ड टू वर्ड उस क्वेश्चन का क्या वर्ड था वो तो मुझे याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन इसी पर आधारित था। तो इसका जो आप मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये चालू खाते के जितने भी घटक है उसका रिजल्टेंट वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है जिसमें सबसे प्रमुख कारक बन जाता है आयात और निर्यात, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है और इस चालू खाता घाटा को बनाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है वह वस्तुओं का आयात और निर्यात ही बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पूंजी खाता की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो ऋण में हमें पॉजिटिव वैल्यू दिखता है नेट में,
हम ऋण ज्यादा लेते हैं तुलनात्मक रूप से जो ऋण हम देते हैं उसे। बैंकिंग पूंजी में भी हमें अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है और विदेशी निवेश में भी हमें पॉजिटिव की वैल्यू देखने को मिलती है और विदेशी निवेश के अंतर्गत FDI और FII आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये स्थिति बन जाती है कैपिटल अकाउंट की और जो कैपिटल अकाउंट का जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वह पॉजिटिव चला आता है। अभी वर्तमान परिदृश्य में ऐसी ही स्थिति है लेकिन 1990 के दशक के पहले ये स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अब उस पर अगर हम जाएंगे तो भुगतान के संतुलन के संकट तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां तक पहुंच जाएंगे कि आखिर कैसे 1991 में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार लाया गया जिसे हम LPG के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस जानकारी के बाद इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। तो भुगतान के संतुलन में निहित है, दृश्य तो निहित है, अदृश्य भी निहित है और ऋण भी निहित है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। दृश्य और अदृश्य हमें कहां पर दिखा था? तो यह हमें चालू खाता पर देखने को मिला था। और ऋण हमें कहां पर देखने को मिला था? तो यह हमें पूंजी खाता में देखने को मिला था। ठीक है, भुगतान के संतुलन के पूंजी खाता और बजट के पूंजीगत खाते में अंतर होता है, दोनों को एक साथ जोड़कर कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न पर नजर डालते हैं और यह विदेशी निवेश पर आधारित है, FDI FII के कंसेप्ट पर आधारित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संस्थागत विदेशी निवेश FII दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंधित है, यह पहला स्टेटमेंट इसे समझा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, यह दिए गए कथनों में से सबसे बेहतर तरीके से कौन सा कथन समझाता है, अब हमें यह चुनना है। सबसे पहला कथन कहता है FII बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है जबकि FDI केवल पूंजी लेकर आता है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्यों है मैं बताऊंगा। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्ध बढ़ाने में सहायक है जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। यह थोड़ा सा सही भी है बट यह सबसे बेहतर अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम दोनों जब तक दोनों कथन नहीं देख ले तब तक हम सही उत्तर इसे नहीं मानेंगे। FDI केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है जबकि FII का लक्ष्य प्राथमिक बाजार में होता है। FDI की तुलना में FII अधिक स्थायी माना जाता है। चलिए ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। अब समझ लेते हैं कि FDI और FII होता क्या है, फिर हम यहां पर चले आएंगे। देखिए FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेश से निवेश आ रहा है प्रत्यक्ष तौर से। इसका मतलब क्या है कि विदेश की कोई कंपनी जब सीधे तौर से भारत के भौगोलिक क्षेत्र में या भारतीय अर्थव्यवस्था पर आकर निवेश करती है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर होती है, अपना यहां पर दुकान खोलती है, अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करती है, तब यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप डोमिनोज को ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए डोमिनोज से कि किस तरीके से डोमिनोज की कंपनी यहां पर आई, यहां से परमिशन भारतीय सरकार से परमिशन लिया और यहां पर अपना आउटलेट बना गई और आप लोग जाकर पिज्जा का लुत्फ उठाते हैं इस आउटलेट पर जाकर। क्लियर है, ये FDI का मतलब। FII क्या हुआ कि यह भी विदेशी निवेश है लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर से नहीं आते, ये भारत में जो पहले से उपस्थित इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करती हैं। जैसे रिलायंस की कंपनी के शेयर को अगर किसी विदेशी ने खरीद लिया तो ये विदेशों से निवेश हुआ, किसी विदेशी के द्वारा किया गया निवेश हुआ लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर से निवेश किया रिलायंस के शेयर को खरीदकर। अब इन दोनों का अंतर तो हमने समझ लिया, दोनों की विशेषताएं क्या। FDI में जो निवेश आपने देखा तो जाहिर सी बात है कि अगर डोमिनोज यहां पर आता है और अपना आउटलेट लगाता है तो वह लाभ कमाने आया है और काफी लंबे समय तक रहना चाहता है अर्थात स्थायित्व यहां पर देखने को मिलेगा।
तो जहां पर आपको यह दिखे कि एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी माना जाता है तो इसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एफडीआई अधिक स्थायी है, क्योंकि यह काफी लंबे समय तक निवेश करने के लिए आया है। अब निवेश अगर कोई करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह लाभ के उद्देश्य से निवेश करेगा, तो अगर प्रत्यक्ष निवेश हुआ है तो वह क्या करेंगे, लंबे समय तक रहने के लिए, लंबे समय तक लाभ अर्जित करने के लिए टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे। क्लियर है, अपने देश में जो भी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी उसे यहां पर लेकर आएंगे, ताकि बेहतर से बेहतर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करके वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। तो जहां पर आपको ये दिखे कि एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है तो इसे आप काट देंगे, क्योंकि यह जो जानकारी है वो एफडीआई पर आधारित है। एफआईआई केवल पूंजी लेकर आता है, बल्कि एफडीआईआई तो प्रबंधन कुशलताएं और प्रौद्योगिकी अंतरण भी भारत देश में या फिर जहां भी ये निवेश होगा वहां लेकर आएगा। क्लियर है, चलिए। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर इस प्रश्न का बन जाता है वह बी बन जाता है कि एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी बढ़ाने में सहायक है। एफआईआई है, आज रिलायंस की कंपनी में शेयर खरीदा गया कुछ पैसों का, फिर बाद में टाटा के शेयर खरीद लिए जाएंगे, तो वृहद क्षेत्र में ये पूंजी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होते हैं, वो उस सेक्टर पर जाते हैं, क्योंकि लंबा चलना है तो उस सेक्टर पर जाते हैं जहां पर उन्हें यह महसूस होता है कि इस सेक्टर पर लंबे समय तक रहने से अधिक लाभ मिलेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन सेक्टर पर ही इन्वेस्ट करते हैं जिस सेक्टर का डिमांड काफी ज्यादा दिख रहा होता है, क्योंकि अधिक मांग अधिक लाभ को सुरक्षित करता है। क्लियर है, तो जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का वह सबसे सही तरीके से एफडीआई और एफआईआई के मध्य अंतर स्थापित करता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश, सीधा अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर ने अट्रैक्ट किया है, तो वो उसका उत्तर है सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है गत दशक में, ये आप ध्यान रख ले। चलिए, तो इस प्रश्न के उत्तर के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संचयी एफडीआई अंतर्वाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर है सिंगापुर। मॉरिशस और सिंगापुर, ये दो देश आप याद रखें, इन दोनों में से कोई एक होता है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम हो जाता है। क्लियर है, चलिए। तो एक प्रकार से हम इतने ही प्रश्न इसमें देखते हैं, बाकी मैं आपको यह बता दूं कि भुगतान के संतुलन टॉपिक से किस किस प्रकार के और प्रश्न बन सकते हैं। तो आयात पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वस्तु, कौन से वस्तु का आयात भारत में किया जाता है और सबसे ज्यादा आयात किस राष्ट्र से किया जाता है, ये आप जानकारी इकट्ठा कर ले, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, ठीक इसी पैटर्न पर आधारित निर्यात पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्यात भारत से होता है और किस राष्ट्र को सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है। क्लियर है, फिर उसके बाद जैसे आपने एफडीआई का देखा तो किस क्षेत्र के साथ साथ आपने देखा कि सेवा क्षेत्र, ये भी ऐड कर ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, ये भी आप याद रखें, इस पर आधारित भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर, और प्रेषण या रेमिटांसेस पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा रेमिटांस ग्रहण करने वाला राष्ट्र पूरे विश्व में कौन सा है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आप लोगों को ये तो कह दिया कि ये देख लें, लेकिन मुझे ये उम्मीद थोड़ी कम है कि आप लोग ऐसा करेंगे, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप लोग ऐसा करेंगे ये मुझे कब पता चलेगा, जब ये सारी जानकारी को आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ छात्रों का भला भी हो जाएगा जो कमेंट सेक्शन पर चले आएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा भला भी करते रहना चाहिए, मेहनत के साथ साथ में अगर पुण्य का रंग भी जोड़ लिया जाए तो लक्ष्य बहुत ही समीप हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निर्धनता एवं बेरोजगारी पर आधारित प्रश्न, प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छुप और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया है, अलग अलग जगहों पर आपने इस प्रश्न को देख लिया होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है, प्रश्न देने का उद्देश्य क्या है कि बेरोजगारी किस किस प्रकार के होते हैं ये आप याद कर लें, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रचंड बेरोजगारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है और इसके सही उत्तर पर हम पहुंचेंगे। देखिए, प्रचंड बेरोजगारी जब हम कहते हैं तो यह इस प्रकार की बेरोजगारी होगी जिसमें लोग काम करते हुए दिखेंगे लेकिन उन कार्यरत लोगों की वजह से जो सीमांत उत्पादन है वह शून्य दिखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यरत लोगों के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से उत्पादन में किसी भी प्रकार का फर्क देखने को नहीं मिलता और इस प्रकार के कार्यरत लोगों को प्रचंड बेरोजगारी का उदाहरण कहते हैं। और सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पर यह हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक बार फिर से एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ये क्या एग्जाम्पल है, तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि के टुकड़े से जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, जो अधिकतम उत्पादन आप निकाल सकते हैं, वह 100 यूनिट का आप निकाल सकते हैं। और इस 100 यूनिट के उत्पादन को निकालने के लिए अधिकतम 5 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 5 लोग भिड़कर अगर इस जमीन के टुकड़े पर काम करेंगे तो 100 यूनिट के फसल का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन भारतीय कृषि क्षेत्र में यह देखा जाता है कि 5 के जगह पर 50 लोग इस भूमि के टुकड़े पर काम कर रहे हैं, निर्भर है उस पर। अब इससे होगा क्या कि 50 लोगों की संख्या की वजह से क्या इस भूमि का उत्पादन बढ़ जाएगा क्या? नहीं, इस भूमि की उत्पादकता जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वही 100 यूनिट है। तो चाहे आप 5 से ज्यादा कितने भी लोगों को आप इस भूमि के टुकड़े में काम करने पर लगा दें, वो 100 यूनिट का ही उत्पादन निकलने को मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि जो 45 लोग इस भूमि के टुकड़े में कार्यरत है वो काम करते हुए दिखेंगे तो जरूर, लेकिन इनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और इन 45 लोगों को ही, इन्हीं संख्या को ही प्रचंड बेरोजगारी की संख्या कही जाती है। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादन उत्पादकता शून्य है। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न पर नजर डालते हैं कि निर्धनता या गरीबी आकलन में किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति मासिक आय नहीं व्यय होगा, मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCE से इसे डिनोट किया जाता है 816 रुपए से कम व शहरी भारत में MPCE 1000 रुपए से कम हो। देखिए, ये अनुशंसा दी गई थी तेंदुलकर समिति के द्वारा, तेंदुलकर कमिटी के द्वारा। देखिए, जब गरीबी निर्धारण किया जाता है तो गरीबी निर्धारण जो देश में किया जाता है, जो रिकमेंडेशन आता है, उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वह होता है गरीबी रेखा का निर्धारण करना, ठीक है, जिसे आप पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। पॉवर्टी लाइन अलग अलग समिति ने अलग अलग तरीके से डिसाइड की, अलग अलग तरीके से निर्धारित की और इस पॉवर्टी लाइन या इस गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कह दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन और इस रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को कह दिया गया अबव पॉवर्टी लाइन। और बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं, उन्हें यह माना गया कि इन्हें सरकार के तरफ से कुछ सहायता देनी होगी इनके जीवन में सुधार करने के लिए, इन्हें सहायता करने के लिए, ताकि ये एक अच्छी खासा जो जीवन शैली है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे अफोर्ड कर सके, उसमें रह सके, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो। तो बेनिफिशियरीज के सिलेक्शन के लिए, लाभार्थियों के या हितग्राहियों के चयन के लिए इस गरीबी रेखा का बहुत बड़े स्तर पर क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। देखिए, इनका क्या कहना था कि अगर कोई एक व्यक्ति गांव में रहता है
और हर महीने या मासिक जो व्यय करता है उपभोग पर कंजप्शन पर और वो 816 रुपए से कम है उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो वह गरीब कहलाएगा। और अगर शहर में कोई व्यक्ति रहता है और उसका जो मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 1000 रुपए से अगर कम होगा तो वह गरीब कहलाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग डिसाइड हुआ और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग डिसाइड हुआ, क्लियर है। और तेंदुलकर समिति के अनुशंसा के आधार, इनके रिपोर्ट के आधार, भारत में लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। चलिए इसी तरीके का एक प्रश्न और भी देख लेते हैं। तो जिस तरीके से आपने तेंदुलकर समिति देखा वैसे ये योजना आयोग की अनुशंसा पर, इनके रिपोर्ट पर आधारित ये प्रश्न है। तो योजना आयोग द्वारा निर्धनता आकलन के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। देखिए ये जो आपने तेंदुलकर समिति में देखा यह क्या था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, खर्च या व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करना और गरीबों की पहचान करना। लेकिन योजना आयोग की जो रिपोर्ट है इसमें व्यय को आधार नहीं लिया गया, इसमें कैलोरी इनटेक को आधार लिया गया, इसमें भोजन को आधार लिया गया। एक बार इस रिपोर्ट पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। भारत में योजना आयोग 1970 के दशक के प्रारंभ से निर्धनता का आकलन करता रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, सीधा रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो कैलोरी इंटेक दिया गया वह 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर भी हम नजर डाल लेते हैं और यह रिपोर्ट है रंगराजन समिति की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो गरीबी रेखा निर्धारण का आधार लिया वो मासिक व्यय लिए, लेकिन इनके पैमाने अलग थे, तेंदुलकर कमेटी से भी अलग थे। इनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 972 रुपए से कम है प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, जो कि एक दिन पर निकल आएगा 32 रुपए प्रतिदिन, तो वह गरीब कहलाएगा। और शहरी क्षेत्रों में यह हो जाएगा 1407 रुपए मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यह प्रतिदिन के आधार पर हो जाएगा 47 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। अब तेंदुलकर समिति से क्या हुआ, तो देखिए तेंदुलकर समिति इन्हें कहा था 816 रुपए प्रति माह जो खर्चे होंगे प्रति व्यक्ति के वो 816 रुपए से कम, एक दिन के आधार पर यह 27 रुपए आते हैं। और 1000 रुपए कहा था तेंदुलकर समिति ने और यह एक दिन के आधार पर लगभग 33 रुपए प्रतिदिन आते हैं। तो रंगराजन समिति ने बढ़ा दिए खर्चे 27 से 32 कर दिए और 33 रुपए से 47 रुपए कर दिए, और इस पर आधारित प्रश्न पीएससी में पूछा जा चुका है रंगराजन समिति के हिसाब से। और इनके आधार पर, इनके पैमानों के आधार पर, इनके मानकों के आधार पर संपूर्ण भारत में जो गरीबी है वो लगभग 30% है या 29.9% है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब भारतीय नियोजन एवं आर्थिक सुधार पर बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लियर है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर बन जाता है वह बन जाता है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्लानिंग पर आधारित ये दूसरे प्रकार का बात कर लेते हैं, पैटर्न पर बात कर लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो यह महल 9 मॉडल पर आधारित था, जिसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और इसी योजना के अंतर्गत स्टील प्लांट्स लगाए गए भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि दुर्ग में, राउरकेला में। तो इस तरीके का जो दुर्ग अर्थात भिलाई, जो आप बीएसपी जानते हैं, तो इस तरीके के पैटर्न पर आधारित भी प्रश्न इसे पूछा जाता है। तो प्लानिंग से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं एक बार, आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो किस मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है।
फिर जो योजना लाई गई पंचवर्षीय योजना लाई गई उनका ड्यूरेशन कब से कब तक था, कहने का तात्पर्य कि कौन सा 51 से 56 था, कौन सा 61 था, प्लान हॉलिडे कब तक चला, तो इस पर। फिर उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की योजना जैसे कि इंडिकेटिव प्लानिंग कब से शुरू की गई, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ विशेष उद्देश्य अगर किसी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार रखे गए थे तो वह कौन कौन से पंचवर्षीय योजना थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके का भी। तो पैटर्न आपने पहचान लिया, तो इस तरह से इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दूं और पैटर्न समझा दूं ताकि आपकी तैयारी एक सही दिशा में बनी रहे रिविजन के साथ। क्लियर है? तो इस तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।